हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके ब्रह्मार कल्चर है सोमवार में रहो और स्वराज अधिकारी पर यही ब्रह्मार कल्चर है ये तो पसंद है ना पीछे वाले पसंद है ना अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना इंडियन कल्चर कैसे करें कैसे है मुश्किल है सहज हो गया ना सहज है देखना फिर वहां जाके को थोड़ा ये मुश्किल है नहीं वहां जाके ऐसे नहीं लिखना सहज कह तो दिया लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है सहज थोड़ा थोड़ा मुश्किल है थोड़ा मुश्किल है कि नहीं पाना सहज है सरा भी मुश्किल नहीं है बहुत सहज है अभी हंसी आती है सारे खेल पूरे हो गए हैं ना इसलिए हंसी अच्छा अभी पंगे हो गए बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए अनुभवी बन गए हैं अभी और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना तो जो नए नए आते हैं वो भी पक्के हो जाते अच्छा एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं मेहनत अच्छी करते अभी दादियों के पास किसे तो नहीं ले जाते ना किसे कहानियां ले जाते हो दादियों के पास ले जाते जाते हैं कम हो गए पूरे में हाँ नहीं करती लेकिन कम हो गए इसमें आकर फर्क है ना है फर्क है तो आप बीमार नहीं हो ना अभी किसी कहानियों में बीमार होते वो तो खत्म हो गए अच्छे सबसे अच्छे में अच्छा विशेष गुण है सफाई दिल की अच्छी अंदर नहीं रखते बाहर निकाल लेंगे जो बात होगी सच्ची बोलते ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा ऐसा नहीं करते जो तो जो बात है वो बोल देते ये विशेषता अच्छी इसीलिए बाप कहती है सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी हाँ तो हाँ ना तो ना ऐसे नहीं देखिए मजबूरी से नहीं चलती या तो चलते है तो पूरा या ना तो ना अच्छा बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे रसीली तान की ये डोरा आपकी ओर ही खींचे आपकी ओर ही खींचे रूहानी स्नेह
Om Shanti. Become full of the treasure of ओम happiness. शांति। Have the खुशी के fortune खजाने of से संपन्न, happiness खुश and be नसीब, happy खुश and नुमा happy. बनो। The key to सब all खजानों treasures की is चाबी Baba. है बाबा। When someone receives some जब treasure, किसी को कोई खजाना someone प्राप्त receives होता है hope, या they become अचानक कोई happy. थोड़ा भी धन मिल जाता है You children have तो खुशी में received आ such जाते हैं। love that आप no one can बच्चों ever को snatch it away तो or ऐसा धन take it मिला from you. है जो कभी भी कोई You छीन have नहीं earned सकता, constantly लूट wealthy नहीं for सकता। 21 generations. 21 पीढ़ी सदा Christ धनवान is the रहेंगे। key to all treasures, and that आपको सब key is खजानों की Baba. चाबी मिल गई, वह As you चाबी है listen to बाबा। say Baba, बाबा heaven's बोला door और opens, खजाना खुला, and you become माला माल happy, हो गए। yes. तो So सदा always इसी खुशी remain में joyful भरपूर रहो। with this happiness. Om Shanti. Dravikti Parivar, today is day 3. Become full of the treasure of happiness. Have the fortune of happiness and be happy and cheerful. Today's topic, the key to all treasures is Baba. Now we will listen to Mohini Didi. अविकति परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सब खजानों की चाबी है बाबा। आइए मोहिनी दीदी जी से सुनते हैं। Shanti is ओम everyone शांति। क्या आप सभी खुशियों के everywhere. देवता हैं? Baba has given us the key of happiness. बाबा ने We have हमें earned it. खुशियों की चाबी दी है और वह है शब्द बाबा। Most of us have experienced that whenever we need हम सब Baba, ने we अनुभव turn किया है from Baba. कि जब भी कोई मदद चाहिए होती है बाबा से Instantly it happens in some way or other. तो तुरंत हमें वो मदद Sometimes we मिलती are है। able to recognize कई बार हम उसे Baba's help. पहचानते हैं और कई बार हम पहचान भी नहीं सकते उस I मदद was को। reading or listening to one of Baba's child. मैं बाबा के एक बच्चे को सुन रही He was थी। sharing experience that वो अपना अनुभव सुना रहे थे, कहीं was going for a give a talk somewhere. His कुछ flight टॉक was देने के लिए little जा bit रहे थे। delayed, and then तो उनकी फ्लाइट थोड़ी डिले हो when गई। he arrived at the airport, वो flight जब landed, एयरपोर्ट पे आए और the फ्लाइट strike जब took लैंड हुई, place. फिर उस जगह तो टैक्सी की स्ट्राइक थी। So he went and he was looking for taxi. He couldn't वो find. टैक्सीज के लिए लुक So देख रहे थे someone came सब तरफ में। approached him that I तो can कोई उनके help पास you. आया कि मैं आपको टैक्सी की अरेंजमेंट कर He देता हूँ। thought that there might be some private उसने taxi सोचा available. कि कैसी मिल गई But होगी। it took him at the wrong place and वो फिर had जो to टैक्सी थी take वो किसी cab. गलत जगह में गया, And then लेके those गया, of us who get फिर lost वहां in से कहीं travel और कोई और लोग ज्वाइन feel किया। that he is in trouble. उसे पता हो गया कि भाई को कि मैं कुछ He परेशानी called में हूँ। Baba, Baba, तो वो कह रहे थे Baba. बाबा बाबा आप मदद करो। So the person who was trying to take him तो जो or there व्यक्ति was था some जो उसे kind लेके of money happening. जा रहा Money था, linkage also. तो उसके पास कुछ He said that पैसे I'm के लिए उन्होंने कहा कि आप trying इतना to पैसा help तो हम the लेके poor who जाएंगे। are burning. तो जैसे ही He उसने started जैसे shouting and saying, take out this man, take out this man, take out this man. कि अचानक से उसकी जो Running पूरा and शरीर yelling. जो है वो जलने लगा, ऐसा अनुभव होने लगा। And तो वो then कहने लगा they कि put him in इस भाई को बाहर निकालो, इस भाई को बाहर prison निकालो। place. So I was thinking that he, what he तो was looking for, safety. क्या वो देख रहा था? But when you listen to जो someone ऑटो जो speaking, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति था उसे he's लगा कि yelling उसके at people शरीर में who जैसे are आग लग गई screaming. हो। ऐसे वो एकदम से Everybody जैसे was चिल्लाने लगा कि screaming, snoring. इस भाई को निकालो बाहर ऑटो He से। was there. वो जैसे कि उस भाई को बाहर Like निकाला, all उसे of us, वहां पहुंचा दिया जहां पे उसे पहुंचाना wherever चाहिए there था, is किसी story, और ऑटो these से। are of course some तो कि किस का times of चमत्कार the बाबा ने कराया। तो risky time or there is some kind ऐसे कोई of समय आएंगे need, जहां बहुत insecurity. ही लगेगा कि मुझे मदद की जरूरत Because है। otherwise, the power, the energy, the qualities of Baba,
तो उस समय बाबा तो दौड़ के आते ही है, लेकिन साथ साथ जब भी हमें किसी भी शक्ति की जरूरत है तो बाबा ने जो हमें खजाने दिए वो भी काम आते हैं। तो जब भी कोई ऐसी होती है, जरूरत होती है, तो जैसे बाबा का जैसे शक्ति अनुभव होती है चारों, जैसे ही आप शब्द कहते हैं बाबा, दिल से बाबा कहा तो बाबा हाजिर, बाबा की शक्तियां हाजिर। शायद इसलिए सारे दुनिया में ये लोग समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन नहीं, जब भी बाबा को बुलाते हैं, कोई भी बच्चा बाबा को बुलाता है, बाबा तुरंत हाजिर हो जाते हैं। तो अभी हमें ये शब्द कैसे यूज करना है जीवन में, बाबा बाबा मेरा बाबा शब्द यूज करने। तो जैसे किसी को थोड़ा सा भी खजाना मिल जाता है तो कितने खुश हो जाते हैं, और आप बच्चों को तो ऐसा खजाना मिला है जो कभी भी कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता है। तो आप 21 पीढ़ी के लिए सदा धनवान रहेंगे, क्योंकि आपको सर्व खजानों की चाबी मिल गई, और वह चाबी है बाबा। बाबा बोला और खजाना खुला, माला माल हो गए। तो सदा इसी खुशी में भरपूर रहो। तो सदा खुश रहो इसी खुशी में। तो अपने आप को याद दिलाते रहना है कि बाबा मुझे क्या बनाना चाहते हैं। मुझे बाबा चाहते सदा खुश देखना चाहते हैं, और सदा सब कुछ खुशी देना चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। टुडे वी हैव अ फॉर्च्यून। आज हमारा सौभाग्य है हमारे पास एरिक भाई लाइव है, हमारे पास में है। ओम शांति सभी को। ओम शांति। इसे कहते हैं झूम आउट, यानी झूम से बाहर आ गए। तो झूम आउट यानी छोटा चित्र बड़ा होता है, तो उसे झूम आउट कहते हैं इंग्लिश में। तो जैसे झूम आउट हो गया है, मैं बाहर आया हूँ झूम के अंदर से। ये मेरा भाग्य है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिनी दीदी जो आपने मुझे इनवाइट किया। आप यहाँ नहीं थे और केवल 5 दिन के बाद ही आप से मिल रहा हूँ, और अव्यक्ति परिवार के तरफ से और बाबा की तरफ से। लग रहा है कि आफ्टर बहुत दिनों बाद एरिक भाई आए हैं। But because of COVID, whatever, there are not many who come to even visit Harmony House. So I was thinking, COVID के बाद बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते यहाँ Harmony House. तो बहुत हम सभी से मिलने के लिए पीस विलेज ही जाते हैं। पहने हैं कि मुझे अव्यक्ति रूप जाना ही है, देखना ही है। अभी अव्यक्ति रूप पीस विलेज में भी है, तो अभी वहां भी आत्मा आती। तो इतना फर्क पड़ता है कि टेलीविजन पे देखते हैं या कंप्यूटर पे देखते हैं, मोबाइल पे देखना, और प्रत्यक्ष में सामने होना कितना फर्क पड़ता है। CBC point of view and checking all the details and how this team has made it into an angelic studio at CBC. मैं देख रहा हूँ क्योंकि
एरिक भाई टीवी में है, टीवी के प्रोग्राम शादी बनाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं उसके हिसाब से रूम को देख रहा हूँ कि कितनी छोटी छोटी बातें यहाँ अच्छे से बनाई गई है. तो जैसे हम लौकिक में जाते हैं, वह काम पर जाते हैं, तो वहां का जो स्टूडियो होता है उसमें एक लौकिक फीलिंग आती है, लेकिन यहाँ आते ही हर वस्तु में, हर चीज में, लाइट हो या छोटी छोटी चीजें, हर चीज में जैसे अलौकिकता दिखाई दे रही है. बहुत छोटी छोटी बातें में भी बहुत ही सुंदर है. आप जूम पे जो देख रहे हैं आप नहीं देख सकते, आप सब मिस कर रहे हैं इस बातों को जो मैं देख रहा हूँ. ये कृष्ण है, राधा कृष्ण है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एंजल्स हैं. एक छोटा सा 2x2 का रूम है, लेकिन इतना सब कुछ इसमें समाया हुआ है. मैं हमेशा से सोचता हूँ कि जासमीन फूल मैं अपने दीदी को दू, हमारे दीदी को दू. आज ये मौसम एक ऐसा फ्लावर निकला जो रात में ही निकला और सुबह जैसे से तैयार था मेरे लिए, जो मैं दीदी को देने आया तो दीदी उसको ताके अनुभव कर सके. तो लिली भी लेके आया हूँ मैं और फूल भी लेके आया हूँ, और मैंने स्मेल नहीं किया उसे ताकि आप स्मेल कर सके. ये तो बहुत सुंदर खुशबू है, इसको मैंने नहीं, खुशबू इसके लिए आप लीजिए इसकी खुशबू. ये फ्रेश है वाली, सॉरी लिली और जैस्मिन फ्लावर लेके आए हैं एरिक भाई, वो भी फ्रेश. और मोहिनी दीदी तो हमारे मुख्य फ्लावर है, खुशबूदार फूल है. तो मैं आपसे मिलते रहूंगा आज कल भी. Helping us to understand how does it really work in the soul, the virtue, the karmic account, and the sanskar, you know, how they relate. Because when we say you should be happy, you know, Baba says, say Baba, and then you'll be happy. But where is that happiness staying in the soul? वो शब्द बोलने के बाद कैसे इमर्ज होता है आत्मा से, या संस्कार है वो, या कुछ कार्मिक अकाउंट होता है कारण से वो खुश है. कहाँ से आता है वो? कहाँ से आती है आत्मा में खुशी? आत्मा के तीन मुख्य सूक्ष्म कर्म इंद्रिय है, मन, बुद्धि, संस्कार. तो मन में सारी खुशियां, संस्कारों में सारी खुशियां, जैसे संस्कारों के अंदर में भरी होती है. जैसे किसी का बहुत अच्छा नेचर होता है, को जैसे हमको देखते खुश रहते हैं, लाइट रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, तो आपको उसको देख करके ही आपको खुशियां होती है और नेचुरल होती है. लेकिन जो मेरी जो शक्ति है, जब हम कहते हैं कि मन, बुद्धि और संस्कार, तो आत्मा एक प्रकाश ही है ना, लाइट, लेकिन हल्का भी है और प्रकाश भी, हल्का भी है.
और शक्ति भी है. तो लाइट और माइट. तो अभी हमें देखना है कैसे काम करें, तो कहां से शुरू करें. जब शरीर में है आत्मा, तो आत्मा शरीर के ऑर्गन का यूज कर रही है. जब शरीर में आत्मा नहीं है, जैसे मूल वतन में, तो आत्मा के पास कोई भी जैसे एक्सप्रेशन नहीं है, कोई भी जैसे आत्मा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाती. लेकिन जब आत्मा शरीर में है, तो अपने शरीर के ऑर्गन द्वारा और सेंसेस के द्वारा हम अपनी खुशियां, आनंद व्यक्त करते हैं. बाबा हमें एक उदाहरण देते थे कि बहुत बड़ा एक रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन. तो जब आप उसपे नीडल रखते हैं, रिकॉर्डर पे जब नीडल रखते हैं, वो सुई होती है ना रिकॉर्डर पे, तो वो कैसे प्ले करता है. लेकिन जैसे ही वो सुई टच करती है रिकॉर्डर को, तो वो शुरू कर देता है आवाज. तो जैसे ही आत्मा और शरीर एक साथ आते हैं, तो जो भी आत्मा में है संस्कार, वर्चुअल्स, तो जैसे ही समय आत्मा और सोल, आत्मा शरीर और समय तीनों साथ आते हैं, वो अपना पार्ट बजाना शुरू कर और सबसे ज्यादा इस सब का संबंध है संस्कारों के साथ. जो भी आत्मा में रिकॉर्डेड है, और क्या कहे इसके, जो भी पार्ट आत्मा में रिकॉर्डिंग हुआ है, तो जो रिकॉर्डेड है वो जैसे ही समय आता है वो आत्मा पार्ट हो जाती है. और वही राइट संकल्प आएगा, वही कर्म होगा, वही एक्शन होगी. तो ये आत्मा की शक्ति है. बाबा खुद भी ये कहा कहते थे कि ये बहुत ही आश्चर्य है, कैसे आत्मा के अंदर में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वो भी एक छोटी सी आत्मा में. लेकिन एग्जांपल अगर मुझे देना है कुछ, तो मैं यही कहूंगी जैसे रिकॉर्डर का है. तो कार्मिक अकाउंट, हम अकाउंट कहते हैं ना, खाता. तो इस समय था जब ना कंप्यूटर थे ना कैलकुलेटर थे, तो सारा बही खाता होता था. तो मुझे कोई शॉपिंग करनी है, मैंने अगर आधा नहीं पे किया सपोज, तो जो दुकानदार होता था वो खाते में लिख के रखता था. तो ये आया था और इन्होंने पे किया, इतना बाकी है. शायद आपको ये याद है कि उस जमाने की बातें, एक लंबा रजिस्टर होता था बड़ा, कितना यहाँ सेव हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, वो भी हम लिख के रखते थे. और वही चीज कर्मा के लिए भी होती है. जो भी आप कर्म कर रहे हो, आप कुछ बना रहे हो, तो आप कुछ गवा भी रहे हो, तो कुछ बना भी रहे हो. तो फिर अगर गवाया है तो आपको कमाना पड़ेगा. और खा वो रहे हैं, कमाया है. और आदत, फीचर्स वी हैव आल्सो इज कमिंग फ्रॉम कर्म एंड संस्कार्स.
जो भी व्यक्तिमत्व हम देखते हैं वो भी संस्कारों से, तो ये आत्मा के जब हम पांच तत्वों को हम कहते तो जैसे हवा क्या है, पानी क्या है, ये साइंटिस्ट बताते हैं, तो वो कहते कुदरत है कि जैसे ये सदा सदा है, हमेशा ही है, वैसे ही आत्मा और शरीर। अभी जरा सोचो कैसे परमधाम से आत्मा आती है, शरीर में प्रवेश करती है, और वो आत्मा आकर के जैसे ही शरीर में प्रवेश करती है, माँ के अभी गर्भ में ही है, 5 महीने के बाद जब आत्मा आती है, जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है तो जैसे मुंह हलचल शुरू कर देती है। एक बार मैं नर्स से बात कर रही थी, वो और नर्स जैसे पेट में बच्चा जैसे लात मार रहा है, ऐसे वो नर्स कह रही थी दीदी को कि देखो कैसे ये पेट में है। तो वो जैसे ही शरीर में होता है बच्चा, तो जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है तो हलचल शुरू करती है। It's confusing, but then it becomes very tasty at the end. So keep churning. It will be very tasty at the end. तो जब चटनी बनाते हैं तो चटनी कैसे होती है हर बार? Now this is my first performance. I ask one question and then. आपको अगर कोई हो तो आप भी बताइए. लेकिन मुझे जैसे लगता है कि आपने जो कहा वो इसने कहा. जैसे आपने कहा. But the question we can also take it on the other side, saying, is there really a difference between the virtue and the sanskara? तो गुण और संस्कार में क्या अंतर है? जैसे तो गुण है, percentage of virtue, is that the content of the soul, and then those virtues keep diminishing throughout the cycle. And at the end, the soul is empty. तो ये जो गुण है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और आत्मा आत्मा के संस्कार होते जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। तो जैसे प्यार का संस्कार है और वो प्यार के रूप में प्रत्यक्ष होता है, जब आप में प्यार है तो आपका संस्कार है अगर प्यार का, तो वो बहुत ज्यादा आप में दिखाई देता है व्यक्तिगत। तो आ कहाँ से आ रहा है? संस्कार से आ रहा है। जैसे हम कहते हैं कि खुशबू फूलों के अंदर मर्ज है, आप अगर देखोगे फ्लावर को तो खुशबू दिखाई नहीं देती, जब आप सुगंध लोगे तो आपको खुशबू महसूस करोगे। I sometimes wonder, is it that the sanskar, the pure sanskar has been damaged, let's say. So, जैसे हमारे शुद्ध संस्कार है, वो उनकी हानि हुई है, तो जैसे अभी चाहिए तो वो आते नहीं है। तो जैसे मुझे अभी सहन शक्ति की जरूरत है और वो संस्कार जैसे कि डैमेज हो गया है, खराब हो गया है, जैसे जैसे गाड़ी खराब होती है वैसे, तो उस हिसाब से तो अभी मुझे चाहिए और तो नहीं निकलता है, अगर सहन शक्ति नहीं आती है तो हम उसमें दुखी हो जाते हैं, तो ये मेरा संस्कार बन जाता है, कार्मिक अकाउंट बन जाता है। I don't even know the person, but because of past accounts, there's an instant reaction. तो जैसे किसी को देखकर खुशी होती है, किसी को देखकर दुख होता है, अच्छा नहीं लगता, तो उसका कारण क्या है? तो जब फीलिंग्स है अंदर में, दो प्रकार से आपका हर चीज संस्कार से नहीं आती है।
कुछ जो हम अभी देखते हैं यहाँ पे वो उससे भी होता है. जैसे मैंने अभी देखा, जो मैंने अभी देखा जो मैंने देखा अभी तक जीवन में वो मेरे संस्कार थे, लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ तो नए संस्कार में क्रिएट कर रही हूँ. और जब मैं अभी उस व्यक्ति को फिर से देखूंगी तो मेरा देखने का मेरा जो अंदर स्वभाव है वो अलग होगा. लेकिन हमारे जैसे शरीर के ऑर्गन है तो वो भी बीच में ये करते हैं, इंटरफेयर करते हैं. संस्कार ये नहीं कहते कि काला है, तो जैसे कुछ काला है तो मैं देख रहा हूँ कि ये काला है, तो आंखें देख रही है ना काला है, लेकिन मुझे नॉलेज है कि ये काला है. लेकिन मुझे संस्कार अगर मेरा है जिसमें मुझे ये पसंद नहीं है, काला पसंद नहीं है, वो संस्कार है. लेकिन कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें काला पसंद आता है. अब वो काला जो शब्द है वो भी, वो तो हमने दिया, लेकिन वो तो प्रकृति में है, नाम तो हमने दिया है. तो कई उसके पहलू है अगर हम सोचे तो. ये प्रकृति से है ना, कलर है, डिजाइन है. तो संस्कार, गुणों को संस्कार कैसे बनाए? क्या हमें खुशी का इंजेक्शन मिल सकता है? तो दीदी कह रहे खुश रहो तो अपने आप आपका संस्कार बन जाएगा खुश, और फिर अगली बार जब आएंगे तो और ज्यादा खुश होंगे. हमारे पास ये हमेशा ये मौका होता है कि हम अपने संस्कार को चेंज करें. भले ही हमारा कुछ पुरानी आदत है जो पुरानी है, लेकिन आप अभी ये सोच सकते हैं, आपके पास चॉइस है कि मैं अभी क्या करना चाहता हूँ, कि उस संस्कार से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ. अपने आप को समझा करके वो संस्कार से मैं ऊपर उठ सकता हूँ. अपने आप को कह सकते कि हाँ, अपने आप को सहन शक्ति में रखनी है, अपने आप को खुश रखना है. जो भी गुण अपने आप को संस्कार बनाना चाहते उस गुणों को यूज करते चले. कभी कभी हम खुश है. जैसे आज मुझे लगा कि बाबा ने कहा खुशियां फैला. जब आप लोगों से साथ में हो, आप दो जिससे बात करते तो किसी को आशा की किरण दो, कुछ उम्मीदें जगाओ, तो उस आत्मा को कुछ अच्छा लगता. तो यह हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे साथ में जो भी व्यक्ति है उसको हम क्या खुशियां दे सकते हैं, क्या मैं उसे उसकी जो सच्ची तारीफ, खुश झूठी नहीं, सच्ची तारीफ करे जिससे वो आत्मा खुश हो. कहीं ना कहीं हम तो कई बात कह सकते हैं, लेकिन हमेशा एक तरीका होता है कहने का कोई भी चीज को, कि वो कैसे खुश हो सकता है उस बात को. कुछ अच्छा भी कह रहे हैं लेकिन बहुत अच्छी तरीके से हम कोई भी चीज देते हैं तो वो, जैसे कोई चीज गिफ्ट दे रहे हैं किसी को, देखो किसी अच्छी बैग में दे रहे हैं और ऐसे ही दे दिए गिफ्ट, तो फर्क है ना. तो हम कैसे देखते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, हर चीज का फर्क पड़ता है. हम कई बार कहते हैं कि हमें तो संस्कार है, बाबा कहते नहीं, संस्कार थे लेकिन अब आप संस्कार बनाओ ना. ये नहीं कहोगे तो मेरे संस्कारों से आ रहे, नहीं, अभी बनाओ ना. तो ये मेरे संस्कार है. I just kind of something very spiritual came in me.
some kind of thought, and I felt very good. And then I said, because mostly our mind is influenced by, could be your health. तो आज दोपहर को कुछ ऐसा बहुत शुभ संकल्प मन में आया और जिससे मेरा दिल खुश खुश हो गया बहुत. तो मुझे ऐसे लगा कि ये संकल्प जैसे अच्छे अच्छे मुझे सदा आने चाहिए. तो फिर मुझे लगा कि बाबा ने मुझे संकल्प दिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हमें अपने आप में है कि हम कैसे अपने संस्कारों को चेंज करते हैं, अपने नेचर को चेंज करते हैं, कि क्या रिसोर्स है हमारे पास में, कैसे हम यूज करें. Could it be from the original soul that is becoming more and more free from certain things? So it yeah. comes from the original. ये हो सकता है कि बाबा से आया है संकल्प, या हो सकता है कि आप ही अभी जो आपकी जो अवस्था बहुत श्रेष्ठ होती जा रही है, तो अपने आपके संकल्पों संस्कारों से वो संकल्प आया. हो सकता है कि दीदी कह रहे हैं कि जो अवस्था धीरे धीरे बनती जा रही है उसमें से भी आ सकता है. लेकिन मुझे ये समझ में आया कि मैंने नहीं किया, मुझे संकल्प आया. क्योंकि बहुत आत्माएं मेरे पास आती है और मुझे मेरे जो करंट मेरा जो अभी मुझे जो पार्ट बजाना है उसकी याद दिलाते हैं. लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाती, मुझे ज्यादा से ज्यादा बाबा के पास रहना है, मुझे अपनी अवस्था के ऊपर में ध्यान देना है. Spirituality and that special thought because the jasmine flower was approaching, and I think that's the fragrance of the jasmine that give you. हो सकता है ये जो मैं फ्लावर लेके आया हूँ, उस फ्लावर के कारण आपको वो शुभ संकल्प आया हो. मुझे लगता है कि धीरे-धीरे अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होती जा रही है और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जीवन में अभी. Just understand, but try to feel where it comes from. Because sometimes we don't understand fully, but we start to feel, like you said, you don't know where it comes from, or you. But जिसे आपने कहा कि कैसे संकल्प आया, कहाँ से आया? लेकिन खुश हुए. Think about it. तो हम सब. It's one thing, but if I know where happiness is in the soul, then I can try to touch it more. So it's not an happiness. अगर मुझे पता चल जाए कि कहाँ से वो जो बड़े संकल्प आ रहे हैं. और मैं बार बार उस संकल्प को जिसे छू करके फिर से निकाल सकूं अंदर से, तो कितना अच्छा हो जाए. हम फिर इस पर बात करेंगे कल, ठीक है? ओके, ओम शांति. स्वीट ड्रीम्स, स्वीट नाइट्स. आप सभी से कल मिलेंगे. गम युग का वर्षा यही है शिव से मिलन मनाना समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना पवित्रता बरसाए जग में पवित्रता बरसाए फरिश्ता झलक तुम्हारी फरिश्ता झलक तुम्हारी शिव पिता ने दी है तुमको शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी श्रीमत कितनी प्यारी प्लेन में चढ़ना प्लेन है वो भी प्लेन है एरोप्लेन है. मैं प्लेन में बहुत चढ़ी हूँ ना बहुत चढ़ती हूँ ना.
प्लेन में चढ़ने के पहले मुझे जाना है बस, और फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं जाना है, इकोनॉमी के में नहीं जाना है, जो लगेज है पहले से ले देते हैं, मैं फ्री बैठी हूँ, अच्छी तरह से आराम से बैठ जाते हैं, फर्स्ट क्लास पैसेंजर हूँ ना, कोई सामान हाथ में नहीं उठाना है, कुछ नहीं हाथ में उठाना है, फ्री प्लेन बुद्धि जाना है, किसको चलना है तो अपनी टिकट खरीद करेगा, मेरे से थोड़ी करेगा, मैं किसी की जिम्मेवार नहीं हूं। जो आज बाबा ने कहा था, नहीं गुलजार दादी ने कहा क्लास कराया था, भाई इनको सकाश दो, इनको मदद को, मैं क्या मदद करेंगी, चलेगा अपने पाँव से है ना, भाई देख रहा है ना ये कैसे जा रही है, तुम भी ऐसे चलना, इतना तो भाई अब विचार तो कर रहे हैं, जाना तो है, अरे वो तो बेचारे जा ही रह जाएंगे, विचार तो है जाने का, परंतु थोड़ा विचार करने दो, ऐसी आत्माओं का क्या हाल होगा, तो हम थोड़ी वेट करेंगे किसके लिए। मैं एक गुप्त बात सुनाती हूँ, हमारी शरीर की माँ भी थी, बाबा की बनी थी सब, और बहन भाई भी चले थे, पर थोड़ा मोह बस, थोड़ा 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 रह गए तो बंधन बढ़ गए, सोचेंगे ना बंधन बढ़ जाएंगे, मुझे जानना है तो बंधन मुक्त कोई रोक नहीं सकता। तो 15 साल तो मैंने तो कहा मुझे जाना ही है, जाना ही है, कभी कोई याद नहीं आया, न मैंने किसी को याद किया, क्यों बाबा ने कहा एक बारी थोड़ा 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 पता नहीं क्या होता था, मैंने बाबा को कहा बाबा क्या होता है, बच्चे बच्ची कुछ नहीं है, मैंने कहा कुछ तो है बाबा, बच्ची तुमने तो मोह छोड़ दिया, पर उन्होंने तुम्हारे से मोह नहीं छोड़ा है, समझ गई, मैं मोह छोड़ू औरों का भी मोह मेरे में न रहे, इसलिए कल पर मैं थोड़ा दिन हांगकांग गई थी, मैंने कहा मैं बहुत जानते थे कहीं, तो फिर क्या हुआ, तो मैंने कहा मैं बाबा की 70-72 साल हो गया कैसे बैठ गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ सबको पता है कुछ नहीं चाहिए, हाँ मेरे पास कुछ है ही नहीं है, आप आएंगे क्या जाएंगे, है ही नहीं कुछ, और आपसे मेरे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर समझ गई तो मेरे में भी किसी का मोह क्यों होए, क्यों याद करे, मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो 12 दिन कुछ दिन रो करके बैठ जाते हैं, फिर तो हम तो कहते हैं हम जीते जी मरे हैं, तो हंसो रोना काहे का, हम तो खुशी से मरे हैं ना, जीते जी खुशी से मरे हैं ना, इसलिए खुशी से मरे हैं, जो बाबा कहते सत्यों में इतना तो ज्ञान है, शरीर छोड़ते हैं बस टाइम आया है। स्नेह में अक
full fortune and blessings. Om Shanti. Avikt Murli, 4th May, 1973. Om Shanti. Adhikari aur Adhin. Apne ko ever ready aur all-rounder samajhte ho? Ever ready ka arth kya hai? Kaisi bhi paristhiti ho, kaisi bhi parikshaen ho, lekin Srimad Praman जिस स्थिति में स्थित होना चाहते क्या उसमें स्थित हो सकते हो? ऑर्डर पर एवर रेडी हो, ऑर्डर अर्थात श्रीमत, तो ऐसे एवर रेडी हो जो संकल्प भी श्रीमत पर प्रमाण चले, ऐसे एवर रेडी हो श्रीमत है एक सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ, तो उस स्थिति उस साक्षी अवस्था में स्थित होने में एक सेकंड के बजाय अगर 2 सेकंड भी लगाए तो क्या उसको एवर रेडी कहेंगे? जैसे मिलिट्री को ऑर्डर होता है स्टॉप, तो फौरन स्टॉप हो जाते हैं, स्टॉप कहने के बाद एक पाव भी आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी प्रमाण श्रीमत मिले व डायरेक्शन मिले और एक सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाओ, दूसरा सेकंड भी ना लगे, इसको कहा जाता है एवर रेडी। ऐसी स्टेज में एक सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाते हो, एक सेकंड में अपने को स्थित करने में, इस पुरुषार्थ को तीव्र बनाने में, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो ना? तीव्र पुरुषार्थी पुरुषार्थी की स्टेज से भी ऊपर तीव्र। अभी क्या सभी अभी तीव्र पुरुषार्थी की स्टेज पर पहुंच गए हैं? ऐसे अपने को अनुभव करते हो? जरा भी संकल्पों की हलचल ना हो, ऐसी स्टेज अनुभव करते जा रहे हो? इसी हिसाब से सभी एवर रेडी हो, शक्ति से ना तो एवर रेडी बन गई ना, शस्त्रधारी शक्ति सेना इस स्थिति तक पहुंच गई है या पहुंचे की पहुंचे? क्या अभी पहुंचे नहीं है? क्या समझते हो इसमें पांडव नंबर 1 है या शक्तिया? Has the Shakti army reached the stage or are they about to reach it? Have you not yet reached the stage? What do you think? कमाल है, कमाल यह है कि पांडव वातावरण व वायुमंडल के संपर्क में आते हुए भी अपनी स्थिति को ऐसा बना ले जैसे अपनी कार हो या कोई भी सवारी हो, तो उसको जहां चाहो वहां रोक सकते हो। Whenever you want or not. ऐसे हर कर्मेंद्रिय को जब चाहो जहां चाहो वहां लगाओ, और जब न लगाना चाहो तो कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में रहे, कंट्रोल कर सको, अपनी बुद्धि को जहां चाहो इतना समय चाहो उतना समय उस स्थिति में स्थित कर सकते हो ना? क्या पांडव फर्स्ट
नहीं है? Are the Pandavas not first in this? Or are you या जिस बात में अपना बचाव हो में शक्तियों को आगे करते हैं और क्या शक्तियों को ढाल बनाते हो? शक्तियां भी कम नहीं है, शक्तियां पांडव को एक्स्ट्रा हेल्प दे देती दे देगी। शक्तियां महादानी हैं, तो ऐसे एवर रेडी बनना है। ओम शक्ति। यू हैव टू मेक अदर्स एवर रेडी इन द सेम वे। अच्छा, टू बी कंटिन्यूड। ओम शांति।